सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में जापान, पोलैंड, जर्मनी, सिंगापुर समेत कई देशों के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे और इस मौके पर छत्तीसगढ़ उत्पाद ब्रांड का विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के कृषि उपज वनों पर हैंडलूम कोसा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन एवं विक्रय को बढ़ावा देने के सम्मेलन इन तमाम चीजों को लेकर सम्मेलन आयोजित हो रहा है जो 22 सितंबर तक चलेगा। सम्मेलन में 19 देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगभग 62 क्रेता, देश के अन्य प्रदेशों के 60 क्रेताओं और प्रदेश के करीब 120 विक्रेता हिस्सा लेंगे। 22 सितंबर को आम जनता के लिए इस प्रदर्शनी को खोल दिया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी हेमंत लाइव जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हेमंत, किस तरह से इस पूरे सम्मेलन को देखा जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ब्रांड्स को प्रमोशन देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देखिए रस्क, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का सम्मेलन और कोई बड़ा सम्मेलन पहली बार हो रहा है और अपने ब्रांडों को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और जो देश की अर्थव्यवस्था है उससे कैसे जोड़ा जाए, इस कदम छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया है। और आज क्रेता और विक्रेता सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीब 10:30 बजे करने जा रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ को इससे बहुत फायदा होगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर के 62 प्रतिनिधि वो शामिल हो रहे हैं। कल दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, बांग्लादेश तमाम जो कहो के जो प्रतिनिधि है वो कल शाम से ही रायपुर यहाँ पर पहुंच गए हैं और एक तरीके से देखा जाए तो दो देश के भी प्रतिनिधि हैं, 60 ऐसे प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के जो इस तरीके से जो कामों को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं वो भी जो प्रतिनिधि है इसमें शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता और एक बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ को होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ब्रांड अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर उभरते हैं तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का नाम ऊपर होगा। और जिस तरीके से हालांकि पिछली सरकारों ने प्रयास किए थे लेकिन इस तरीके से इस स्तर का जो प्रयास है वो नहीं हो पाया था, तो इसके लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ समय पहले वहां पर विदेश और अन्य देशों में भी गए थे तो उन्होंने इस बात को पुरजोर कोशिश की थी कि छत्तीसगढ़ के ब्रांड हैं वो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में उभर कर सामने आए, तो इसी की ओर एक कदम आज जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बढ़ाने जा रही है। और शायद इसलिए कहा भी गया है वक्त है बदलाव का और ये छत्तीसगढ़िया सरकार है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बेहद ही अहम बैठक आज होने जा रही है।